समाचार मंदसौर जिले के शामगढ़ से। अंडर ब्रिज की मांग को लेकर के शिवसेना ने किया शामगढ़ नगर बंद का ऐलान। मंदसौर जिले के शामगढ़ में फाटक नंबर 46 बी रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को बंद करने को लेकर के उसके एवज में अंडर ब्रिज बनाने की मांग आलमगढ़ गांधीनगर में रह रहे लोगों एवं ग्रामीणों और क्षेत्रीय व्यापारियों ने भी की है। उनका कहना है था कि यदि फाटक बंद की कर दी गई तो हमें अंडर ब्रिज बनाकर दिया जाए जिससे हमारा आने जाने में सुविधा हो सके, परंतु रेलवे द्वारा इसकी सूचनाएं नहीं होने पर अंडर ब्रिज 20 दिन हो गए धरने पर बैठे, परंतु रेलवे द्वारा अंडर ब्रिज को लेकर के सर्वे किया गया और आज तक अंडर ब्रिज को लेकर के कार्रवाई नहीं होने पर आज शिवसेना द्वारा नगर बंद कर अंडर ब्रिज बनाओ समिति द्वारा समर्थन किया गया। वहीं नगरवासियों ने भी अंडर ब्रिज बनाओ समिति का भरपूर सहयोग देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। उसके पश्चात अंडर ब्रिज बनाओ समिति एवं शिवसेना द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से अंडर ब्रिज शीघ्र बनाने की मांग की गई। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। शिवसेना द्वारा आज नगर बंद किया गया था, किस तरह का नगर बंद किया है और आगे क्या योजना है शिवसेना की अगर अंडर ब्रिज नहीं बनता है? शिवसेना का आज जो हो रही नगर में शामगढ़ के दो हिस्से हो गए, ब्रिज इतनी दूर बना दिया है कि वहाँ पैदल ब्रिज तक भी नहीं जा सकते हैं, तो उस हिस्से में कब जाएंगे? अगर पूरा आखिरी तक जाते हैं हम, जो अंत का रास्ता है 4 किलोमीटर पड़ता है वो, और 4 किलोमीटर दूरी तय करना, डेली आना जाना, किसी को कोई दूध भी चाहिए तो ये हो नहीं सकता, हॉस्पिटल जाएं तो ये हो नहीं सकता कि 4 किलोमीटर जाके ले आए। ये किस जमाने में रह रहे हैं, किस युग में है? आज का युग वो है कि फास्ट डिसीजन, फास्ट कुछ भी हो सकता है। बिल्डिंग को तोक कर इधर से उधर रखी जाती है और ये बोल रहे हैं आज की बोलो अंडर ब्रिज बनाने की जगह नहीं है, सर्वे हो रहा है, कब तक? अभी तक तो हो जाना था, कोई भी इमरजेंसी व्यवस्था हो जाती। इसके लिए शिवसेना स्वैच्छिक शांतिपूर्ण नगर बंद किया है हमने, उसके बाद में 7 दिनों के लिए अल्टीमेटम दिया है उनसे कि अगर नहीं होता है तो उग्र आंदोलन भी होगा। ये शांति है, शिवसेना वो भाषा भी जानती है, अपना अधिकार नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता तो भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बन के छीन लो, तो छीनना भी जानती है शिवसेना।